सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे, शाहरुख खान और थालापति विजय एक साथ आ रहे हैं। जवान मूवी रिलीज होने से पहले ऐसे रूमर आ रहे थे कि उसमें विजय थालापति का कैमियो हो सकता है, जो कि नहीं था और फैंस को उसने डिसअपॉइंट किया। पर अभी खुद जवान के डायरेक्टर एटली बोलते कि शाहरुख खान और विजय थालापति को साथ में लाएंगे एक मूवी में, और ये कोई कैमियो नहीं होगा, फुल फ्लेज मूवी बनेगी, रिकॉर्ड टूटेंगे। दोनों एक्टर एग्री कर चुके हैं ये पिक्चर के लिए। हाँ भाई, दोनों एक्टर रेडी हो चुके हैं, ऐसे एटली बता रहे हैं। जहाँ पे एटली बोलते मैं इन दोनों से बात कर चुका हूँ और स्टोरी लाइन पे काम चालू करूंगा अब इन दोनों के अप्रूवल के बाद। और एटली सर ने ये भी बोला कि क्या पता उनका नेक्स्ट मूवी यही हो जिसमें थालापति विजय और एसआर के साथ में हो। तो आप लोग मेरे को बताओ आप कितने एक्साइटेड हो। टाइगर 3 मूवी आती, सलमान फैन और शाहरुख फैन आपस में लड़ लिया और हैशटैग ट्रेंड कराने लग गए। जहाँ पे हैशटैग ट्रेंडिंग करने लग गए थे, टाइगर का बाप पठान, सलमान का बाप एसआर के, कुछ भी मतलब कुछ भी, 2 दिन के अंदर 100 करोड़ के क्लब में एंटर हो गई। और उसी के साथ टाइगर 3 ने इक्वल कर लिया पठान और जवान के कलेक्शन को, और साथ ही ऐसा भी रिकॉर्ड बना दिया कि मंडे के दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली पिक्चर बन गई टाइगर 3, वो भी पूरे बॉलीवुड के करियर में। शाहरुख और सलमान की इक्वल की बात कर ही चुके तो कैटरीना और दीपिका की बात करेंगे, जहाँ पे कैटरीना के 9 मूवीज दीपिका पादुकोण के 9 मूवीज से इक्वल कर चुके हैं। दीपिका के 9 मूवीज ने 100 करोड़ कमाए तो कैटरीना की मूवीज ने भी 100 करोड़ कमा लिया है। ये दोनों के बीच में नंबर 1 स्पॉट इक्वल हो गया है। ऐसे कौन से 4 मूवीज है जिसने फर्स्ट 3 डेज कलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसे कमाए? जवान 180 करोड़, पठान 161 करोड़, केजीएफ 2 143 करोड़, टाइगर 3 142 करोड़। टाइगर 3 ने डे 3 पे कितना पैसा कमाया? 42 करोड़, जिसके मदद से वो इजीली 140 करोड़ के क्लब में एंटर कर चुका है। टाइगर 3 के ऐसे पैसे कमाते देख सलमान खान का ये 17th कॉन्सिक्यूटिव 100 करोड़ का क्लब एंटर करने वाला मूवी बन चुका है। मतलब भाई 17 पिक्चर 1700 करोड़। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा किसने कमाया पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन को मिला के? सबसे पहले जवान 384 करोड़, पठान 313 करोड़, टाइगर 3 240 करोड़, ब्रह्मास्त्र 225 करोड़। यशराज फिल्म के ट्विटर से ट्वीट आया जिसमें वो बताते कि टाइगर फ्रेंचाइजी में से टाइगर 3 ने 3 दिन के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाए। जहां पे 240 करोड़ कमाए टाइगर 3 ने, बाकी के 2 मूवीज उतना नहीं कमा पाए थे। सालार मूवी का फुटेज आया नहीं पर उसके थोड़े बहुत न्यूज आ रहे हैं, जहाँ पे ये पता चल गया कि उसके बुकिंग स्टार्ट होंगे 20 नवंबर से। टाइगर 3 ने 4 दिन के अंदर 271 करोड़ कमा लिए, वो भी वर्ल्ड वाइड में, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो इजीली 300 करोड़ कमा लेगा पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट से। हिंदी वर्जन में 4 दिन के अंदर 165 करोड़ कमाए टाइगर 3 ने, साउथ साइड से 4.75 करोड़ कमाए। 17 नवंबर यानी फ्राइडे को टाइगर 3 ने कितने पैसे कमाए? 13 करोड़ हिंदी वर्जन, 25 लाख साउथ वर्जन से। 340 करोड़ चाहिए टाइगर 3 को जिससे वो प्रॉफिट में आए और वो मूवी हिट कहलाए। कांतारा 2 का मुहूर्त डेट फिक्स हुआ जिसमें वो 27 नवंबर को पूजा करेंगे और आगे के काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें रेगुलर शूटिंग स्टार्ट होगा दिसंबर मंथ से। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कांतारा 2 कांतारा 1 का प्रीक्वल मूवी होगा। एनिमल मूवी का टीम पहुंचा दुबई, बुर्ज खलीफा पे प्रमोशन कराए, फोटो शूट कराए, मजे करे। टाइगर 3 का फैन इवेंट रखा था जहां पे सलमान खान अपना स्कार्फ कैटरीना को देते, कैटरीना बोलते पहली बार जिंदगी में गिफ्ट दिया है सलमान खान ने। टाइगर 3 के 5 दिन के कलेक्शन कितने हुए पूरे वर्ल्ड वाइड को मिला के? 291 करोड़ ग्रॉस, और ये एवरेज ओपनिंग है कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी का, ना ज्यादा एक्स्ट्रा कमा रही है ना ज्यादा कम कमा रही है, एवरेज। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि टाइगर 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन होगा 315 करोड़ के आसपास। कुछ दिन पहले ऐसे बताया जा रहा था कि रणबीर कपूर की मूवी एनिमल सबसे बड़ी उनके करियर की मूवी होगी, मूवी का रन टाइम के हिसाब से बोला जा रहा था, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे कि ये पिक्चर 3 घंटा 21 मिनट की हो सकती है। हॉलीवुड से न्यूज आती है एक्वामैन रिलीज होने वाली 22 दिसंबर को, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो? कमेंट करो। ऐसे कौन से एक्टर है और कितने मूवीज उनके जो 100 करोड़ के क्लब में है? सलमान खान के 17 मूवी, अक्षय कुमार के 15 मूवी, अजय देवगन के 13 मूवी, शाहरुख खान के 9 मूवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोनाल्ड ठाकुर और बादशाह का ऐसे रूमर आ रहा था कि उनके बीच कुछ लफड़ा चालू है, जिसे बादशाह ने क्लियर कर दिया ये बोलते हुए कि जैसे आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी क्रिसमस जिसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति, उसका डेट कंफर्म हो गया और उसे पोस्टपोन कर दिया था, जहां पे एनिमल और सैम बहादुर के साथ टक्कर लेने वाले थे, पर अब वो पीछे हट चुके हैं और डेट कंफर्म हो गई है 12 जनवरी 2024। थोड़ा सा क्रिकेट का न्यूज दूंगा, जहां पे हाईएस्ट पीक वाचिंग काउंट किया गया 5.1 करोड़। ये मैच हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और फाइनल में कितना वाचिंग जाएगा आप कमेंट करके बताओ। मुझे लगता है 6 या फिर 6.5 करोड़। आईसीसी फाइनल डे पे क्या क्या कब होगा? प्री मैच के टाइम पे एयर शो होगा, फर्स्ट इनिंग ब्रेक के टाइम पे परफॉर्मेंस होंगे, इनिंग ब्रेक के टाइम पे परफॉर्मेंस होंगे सिंगर्स के, और सेकेंड इनिंग
ओपनिंग ब्रेक के टाइम पे लेजर शो होंगे। डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटर जो मूवी बनाने वाले थे द कैंग डायनेस्टी, वो पीछे हट चुके हैं और ये कन्फर्म हो गया कि वो शांग-ची 2 मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने सब लोगों से माफी मांगी। ऐसा हुआ कि नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे, एक फैन आया और नाना पाटेकर ने मार के भगा दिया। उसके बाद वही फैन रिस्पॉन्स करता है कि मुझे मार के भगाया और मुझे बुलाया तक नहीं किसी ने। लीजेंडरी जोड़ी साथ में काम कर रहे हैं, आर माधवन और कंगना रनौत एक साथ आए, वो भी ऑलमोस्ट 8 साल बाद, जिसमें उनका कोई मूवी आ रहा है साइकोलॉजी थ्रिलर बेस्ड होगा। और उन्हीं के सेट पे रजनीकांत सर भी पहुंचे कंगना रनौत को बुके गिफ्ट देने के लिए। हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर को आज 18 साल हो गए रिलीज होके, कांग्रेचुलेशन। डेविड बेकम इंडिया है और वो सेलिब्रिटीज से मिल रहे, उनके घर पे जा रहे और वो फाइनली मन्नत पहुंचे शाहरुख खान से मिलने के लिए। छोटे मोटे ये न्यूज थे, बाय, सब्सक्राइब।